हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। माई सेल्फ शमशेर राजपूत। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 जीके वन लाइनर क्वेश्चंस। सो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 99 से लेके 2019 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। तो सेलेक्टेड 100 क्वेश्चन जीके के इंडियन पॉलिटी के मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेके एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से देखने से आपके जो मार्क्स हैं अप्रॉक्सीमेटली 5 और 7 मार्क्स जो हैं एग्ज़ाम में पक्के श्योर हो जाएंगे। तो बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, By whom was the idea of the Constitution of India first of all given? तो पहले जो Constitution का idea था वो किसने दिया था? So right answer है M.N. Roy ने दिया था Constitution का idea। Which act formally introduced the principle of election for the first time? So right answer है Indian Council Act 1909 ने दिया था, introduce किया था principle election for the first time। Question number 4, which was adopted for the फ्रॉम द मौर्यन डायनेस्टी इन द एम्बलम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका आपने देखा होगा 4 लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 5, हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसने प्रपोज किया था प्रियम्बल ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से पहले? तो राइट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फर्स्ट फॉरन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फॉरेन मिनिस्टर होता है विदेश मंत्री। विदेश मंत्री पहले कौन थे? पहले जो विदेश मंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज उनके पास फॉरेन मिनिस्ट्री का जो पोस्ट जो थी वो भी इनके पास थी। तो पहले जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 7, द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वॉज ड्राइव्ड फ्रॉम विच रेवोल्यूशंस। तो इंस्पिरेशन जो है लिबर्टी होगी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी ड्राइव फ्रॉम विच रेवोल्यूशन, तो ये है फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिज़ाइंड वर्क एज अ यूनिटरी गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वर्क करता है यूनिटरी गवर्नमेंट किस टाइम करता है? इन टाइम्स ऑफ एमरजेंसी। मगर हमारी इंडिया में गवर्नमेंट जो है वो फेडरल है, फेडरल गवर्नमेंट है हमारी कंट्री में। पावर्स जो है डिवाइड हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। मगर अगर बात करते हैं हम एमरजेंसी की, एमरजेंसी के दौरान जो गवर्नमेंट हमारी होती है, हमारी गवर्नमेंट जो हो जाती है वो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है। मतलब ऑल जितनी पावर्स होती है वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर चली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द रिफ्लेक्ट द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स। तो उसका आंसर जो है प्रियम्बल। क्वेश्चन नंबर 10, इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज ड्राफ्टेड फ्रॉम विच कंट्री। सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने किस कंट्री से अडॉप्ट किया हुआ है? सो राइट आंसर है इंग्लैंड। तो सिंगल सिटीजनशिप, अगर हम सिटीजनशिप की बात करें तो हमारे इंडिया में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं। पार्ट टू में फॉल करता है सिटीजनशिप आर्टिकल फाइव से लेके इलेवन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम परमिसिबल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री और माइन। मिनिमम जो परमिसिबल एज है एम्प्लॉयमेंट किसी फैक्ट्री में वर्क करने के लिए या माइन में, तो उसकी जो एज है वो 14 ईयर्स है। 14 ईयर्स से नीचे कोई भी बच्चा जो है या कोई भी जो है वो फैक्ट्री और माइन में वर्क नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज कम्स अंडर विच राइट्स। जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ है ये किसके अंडर आती है, किस राइट के अंदर आती है? ये आती है फंडामेंटल राइट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज पनिशेबल। किस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली अनटचेबिलिटी जो है अबॉलिश्ड है और इसकी प्रैक्टिस जो करता है उसके उसको पनिश वो पनिशेबल है? तो आर्टिकल 17 में जिसे दिया हुआ है आप क्लास कास्ट और रेस के बेसिस पे किसी के साथ अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, विच कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन सिटीजन। तो कौन इम्पोज कर सकता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन
फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स के, तो वो करता है पार्लियामेंट, यानी कि हमारी संसद। क्वेश्चन नंबर 15, सुप्रीम कोर्ट जजेज रिटायर्ड अपॉन द एज ऑफ, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी जो एज रिटायरमेंट होती है वो कितनी होती है, 65 ईयर। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि हाई कोर्ट की जज की रिटायरमेंट एज कितनी होती है, सो राइट ऑप्शन है 62 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट चीफ जस्टिस जो थे वो थे एच जे कानिया जो थे वो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अगर हम अभी की बात करें तो करंट में हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं श्री शरद अरविंद बोबड़े। क्वेश्चन नंबर 17, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज, लार्जेस्ट जो यूनियन टेरिटरी है वो है पुडुचेरी। पुडुचेरी जो है सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है। अगर हम इंडिया की बात करें, अभी करंट में हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। आपको पता है पहले 7 यूनियन टेरिटरी थी, अभी अगस्त से अगर बात करें, अगस्त 2019 से तो 2 और यूनियन टेरिटरी क्रिएट की गई। जैसे आपको पता था कि जम्मू एंड कश्मीर जो पहले एक स्टेट हुआ करती थी, अब स्टेट्स के इन्होंने 2 पार्ट में इसमें डिवाइड किया, लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया और जम्मू को भी अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया। इट मीन्स अब इंडिया में 9 यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 स्टेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोअर हाउस बोलते हैं लोकसभा को, पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, और लोकसभा में अभी जो करंट स्ट्रेंथ है वो है, नंबर ऑफ जो टोटल सीट्स हैं वो है 545, जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 19, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अपर हाउस होता है राज्यसभा, राज्यसभा में जो करंट स्ट्रेंथ है वो 245 है, ऐसे वहाँ पे स्ट्रेंथ 250 है, मगर करंट जो स्ट्रेंथ है वो 245 है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा हेल्ड, सो लोकसभा का फर्स्ट सेशन कब हुआ था, हुआ था 13 मई 1952। क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, फर्स्ट स्पीकर जो थे वो थे जी वी मावलांकर जो थे फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के। अगर हम अभी की बात करें तो अभी जो करंट लोकसभा के स्पीकर हैं वो हैं श्री ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन बोथ द हाउसेस, तो आपको पता है एक सिंपल सी ट्रिक है कि किस स्टेट में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ जो पर्सन हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं दोनों हाउसेस में, तो आपको पता है हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट में है, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ओबीसी बात है, वहाँ पे राज्यसभा के मेंबर भी ज़्यादा होंगे, वहाँ पे लोकसभा के मेंबर भी ज़्यादा होंगे, सो राइट ऑप्शन है इसका उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23, टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया, टोटल नंबर ऑफ जो हाई कोर्ट्स हैं अभी करंट जो हैं वो है 25 हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 24, विच इज़ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड हाई कोर्ट इन इंडिया, जो न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड हाई कोर्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तेलंगाना एंड आंध्रा प्रदेश हाई कोर्ट्स वेर इस्टेब्लिश्ड इन, जो कब इस्टेब्लिश हुआ था 2019 में। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया, फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन थे वो कब हुए थे 1951 में। क्वेश्चन नंबर 26, द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द, जो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया है अगर वो उसको रेजिग्नेशन लेटर देना हो तो किसको देगा, वो देगा वाइस प्रेजिडेंट को। अगर वाइस प्रेजिडेंट प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट किसको देगा, चीफ जस्टिस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब्स इन लोकसभा, तो किस स्टेट में लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व होती हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए लोकसभा में, तो वो है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 29, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन इंडिया केम फुली इनटू फोर्स इन, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है वो इंडिया में कब एग्जिस्टेंस में आया, वो आया अक्टूबर 2005 में, मतलब केम इनटू फोर्स कब हुआ था, अक्टूबर 2005। क्वेश्चन नंबर 29, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है एक पार्टी है इंडिया में, एक बिगेस्ट पार्टी है, तो इसको INC भी बोलते हैं, तो फर्स्ट जो इनका प्रेसिडेंट था वो था WC बैनर्जी, यानी कि बोमेश चंद्र बैनर्जी जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट इलेक्शन, कंटेस्ट फॉर लोकसभा इलेक्शन, अगर लोकसभा इलेक्शन के लिए आपको कंटेस्ट करना है, वहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, तो आपकी एज
कम से कम 25 तक होनी चाहिए। 25 से कम अगर होगी तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो 25 ईयर्स ऑफ एज मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर प्रेजिडेंटशिप इन इंडिया। अगर आपको इंडियन प्रेजिडेंट के इलेक्शन में खड़े होना है तो आपकी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 से नीचे नहीं होनी चाहिए। तो आंसर है इसका 35 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर राज्यसभा। अगर आपको राज्यसभा इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करना है तो आपकी एज कम से कम 30 ईयर होनी चाहिए, 30 साल। तो अगर मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल दे देता हूँ, अगर आप प्रेसिडेंट की बात करते हैं, अगर हम प्राइम मिनिस्टर की सॉरी गवर्नर की बात करते हैं, इनके लिए इनकी एलिजिबिलिटी एज की होती है 35 ईयर। अगर हम बात करें एमपी की और स्टेट में जो एमएलए होता है उनकी दोनों की एज जो होती है, अगर उनको एमपी बनना होता है या दूसरे को स्टेट में एमएलए बनना होता है तो उन दोनों की एज 25 ईयर्स। एक होता है किसी भी स्टेट में, आप देख सकते हो सभी स्टेट्स में नहीं है, कुछ स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर उसका मेंबर बनना होता है तो आपको आपकी एज कम से कम 30 साल होनी चाहिए। तो सेम बात है जैसे राज्यसभा की बात है, राज्यसभा के अगर आपने मेंबर बनना है तो कम से कम आपकी एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, हु गॉट भारत रत्न अवार्ड बिफोर बिकमिंग द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो किसने भारत रत्न अवार्ड लिया था प्रेजिडेंट बनने से पहले? तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो भारत रत्न अवार्ड जो है इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। जी आप सुनते हो, आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, हर साल 3 पर्सन को दिया जाता है भारत रत्न अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेजिडेंट टू। तो आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए, हमारी करंट जो स्ट्रेंथ है लोकसभा में वो 545 है। तो 543 के इलेक्शन होते हैं और 2 मेंबर्स जो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो आंसर इसका 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 35, मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 सेशन का जो मैक्सिमम गैप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 6 मंथ से ऊपर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कितनी हैं? वो हैं 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन प्रेजिडेंट वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड। तो कौन से इंडियन प्रेजिडेंट थे जो अनअपोज्ड इलेक्टेड हुए थे? वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 38, द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूपीएससी होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ। तो चेयरमैन होता है और मेंबर्स होते हैं यूपीएससी के, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, होल्ड ऑफिस कितने साल के लिए करते हैं? वो 6 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज्ड। पहले कब और कहाँ सबसे पहले ईवीएम जो थी वो यूज़ की गई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वो की गई 1982 में केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, नगर पालिका बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। नगर पालिका जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया था वो किस प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान किया गया था? कौन सा समय प्राइम मिनिस्टर? श्री राजीव गांधी जो थे, लेट श्री राजीव गांधी जो थे उस समय प्राइम मिनिस्टर थे जब नगर पालिका बिल इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ नेशनल एमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। तो कितनी बार नेशनल एमरजेंसी हमारे इंडिया में डिक्लेयर हुई है? तो हमारे इंडिया में जो नेशनल एमरजेंसी है वो 3 बार हुई है। नेशनल एमरजेंसी जब भी इंडिया में कोई भी कंट्री में जो कोई भी आपातकालीन की कंडीशन बन जाती है, जब कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाता है या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाती है तो उस समय में, तो एमरजेंसी जो लगी थी वो लगी थी 1962 में फर्स्ट टाइम जब इंडिया की चाइना के साथ वार हुई थी। नेक्स्ट दूसरी बार लगी थी 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान की वार हुई थी, और तीसरी बार जब लगी थी 1975 में जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। तो 3 बार नेशनल एमरजेंसी लगी है। स्टेट एमरजेंसी तो आपको पता है हर स्टेट में लगती रहती है, और एक होती है फाइनेंशियल एमरजेंसी आर्टिकल 360, और स्टेट एमरजेंसी आती है आर्टिकल 356, और नेशनल एमरजेंसी आती है अंडर आर्टिकल 352। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ अपॉइंटमेंट इज़ नॉट मेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें किसकी प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं? तो वह है स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर जो चुना जाता है वो एमपी के द्वारा चुना जाता है जो कि लोकसभा के मेंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज़ एक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। कौन से चीफ जस्टिस ने
एक्ट किया था, एक्टिंग एज अ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट किया था, तो वो थे एम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वो होता है वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अभी जो एक्स ऑफिशियो प्रेजिडेंट है वो है श्री वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू इज़ आल्सो द प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 45, विच पोस्ट डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मैंशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन सी पोस्ट जो है वो मैंशन नहीं है, वो है आंसर है द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, हाउ आर द मेंबर ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड। राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं वो किसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं, कैसे इलेक्टेड होते हैं, सॉरी वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, मगर जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो डायरेक्टली होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, हु हैज़ द फाइनल पावर टू मेंटेन ऑर्डर विद इन द हाउस ऑफ पीपल। तो किसके पास फाइनल पावर होती है हाउस ऑफ पीपल में ऑर्डर को, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने की, वो होती है स्पीकर की। और स्पीकर मैंने आपको बताया अभी करंट जो स्पीकर हैं लोकसभा के वो श्री ओम बिरला हैं। क्वेश्चन नंबर 48, विच कैन बी वॉलिस्ट बट नॉट डिजॉल्व। कौन सी चीज़ है जो वॉलिस्ट की जाती है मगर डिजॉल्व नहीं होती, तो है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। हर स्टेट में नहीं है, कुछ एक स्टेट में है, चाहे हम कर्नाटका की बात करें चाहे तमिलनाडु की बात करें, पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी था स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल मगर अब जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, तो इसको हम अवालिश कर सकते हैं मगर इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप सेम कंपैरिजन है लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है मगर राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकती है, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट चैम्बर है। तो ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो परमानेंट होता है, उसको कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 49, हु डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर बिल इज़ अ मनी बिल आर नॉट। तो कौन डिसाइड करता है जी जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं है, वो करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 50, टू होम द पब्लिक अकाउंट कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट। तो पब्लिक अकाउंट जो कमेटी होती है किसको रिपोर्ट सबमिट करती है, वो करती है द स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 51, विच इज़ द हाइएस्ट एंड फाइनल जुडिशियल इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वो होते हैं, वो होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाइएस्ट एंड फाइनल जुडिशियल इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच फंड आर द सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ड्रॉन। तो किस फंड से जो सैलरीज होती है जजेस की वो निकाली जाती है, वो है कंसोलिडेटेड फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच एक्ट वाज द सुप्रीम कोर्ट सेटअप। तो किस एक्ट के अंडर जो सुप्रीम कोर्ट था उसको सेटअप किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, विच रिट मे बी इशूड टू इन्फोर्स अ फंडामेंटल राइट। तो वो रिट थी हैबियस कॉर्पस की वजह से, हैबियस कॉर्पस जो थी इशू की जाती है टू इन्फोर्स ए फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन नंबर 55, वेन कैन द सैलरीज ऑफ हाई कोर्ट जजेस बी रिड्यूस्ड। जो सैलरीज जजेस की होती है हाई कोर्ट की, उसको कब कम किया जाता है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल एमरजेंसी। तो एक और बात बता दूँ आपको, हमारे इंडिया में नेशनल एमरजेंसी 3 बार लगी है, जैसे मैं बता रहा था आपको 1962 में, 1971 और 1975 में, और स्टेट एमरजेंसी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में लगती रहती है, मगर हमारी कंट्री में अभी तक टिल डेट 2020 की बात करूँ, 2020 अभी तक हमारी कंट्री में कभी भी फाइनेंशियल एमरजेंसी नहीं लगी है। तो एक क्वेश्चन आपको ये भी बन जाता है, फाइनेंशियल एमरजेंसी आता है आर्टिकल 360 के अंदर। फिर से रिपीट करता हूँ, 360 फाइनेंशियल एमरजेंसी, 356 आपका आ गया स्टेट एमरजेंसी, और 352 नेशनल एमरजेंसी। बहुत बार क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिसाइड द नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस को इतने जो जजेस कितने होने चाहिए ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन वाज द फर्स्ट वूमेन, विच वाज द फर्स्ट वूमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया। तो सरोजिनी नायडू जो थी वो फर्स्ट वूमेन गवर्नर थी फ्री इंडिया की। द पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन आर गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस आर्टिकल में जो पावर्स हैं वो इलेक्शन कमीशन की बताई गई हैं या दी गई हैं, वो है आर्टिकल 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट जो लॉ ऑफिसर होता है कौन होता है, वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हुज प्लेजर डज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस। तो अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, मगर वो किसकी प्लेजर तक वो
ड्यूरिंग हुज प्लेजर डज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस, तो किसकी प्लेजर से वो ऑफिस को होल्ड में कर सकते हैं, मगर कौन ऐसा बंदा है वो चाहे तो अटॉर्नी जनरल को रिमूव कर सकता है, तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, हु इज़ द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन ऑफ इंडिया, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो फादर हैं आपको पता है वो हैं लॉर्ड रिपन, जो हैं इज कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, विच इज़ द एपिक्स ऑफ द थ्री टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज, तो एपिक्स लेबल कौन सा होता है सबसे बड़ा, पंचायत में सबसे बड़ा जो लेबल है वो है जिला परिषद सबसे बड़ा है, तो एपिक्स लेबल जो हो गया वो जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 63, वेयर वाज द फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया सेटअप, तो फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहाँ पे सेटअप किया गया, वो किया गया कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 64, ऑन विच पंचायत डिड द अशोक मेहता कमेटी ग्रेटर एम्फेसिस, तो किस पंचायत के ऊपर जो अशोक मेहता कमेटी ने सबसे ज़्यादा जोर दिया, वो थी मंडल पंचायत। क्वेश्चन नंबर 65, इन विच ईयर डिड द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट केम इन टू फोर्स, तो कौन से साल जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट था वो केम इन टू फोर्स हुआ, वो ईयर जो था वो था 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो प्रेसिडेंट था वो कौन था, वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट इंडिया बिकेम ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो ये बना था 26 जनवरी 1950, तो 26 जनवरी 1950 को हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे। अगर हम बात करें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 को, मगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो पूरे तरीके से प्रिपेयर कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में जो टाइम लगा था लिखने में 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज। ये था कुछ आपके लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किसको बोला जाता है, सो सिंपल क्वेश्चन है और आपको सबको पता भी होगा, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 69, फ्रॉम विच ऑफ द कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ अडॉप्टेड फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट्स कौन सी कंट्री से हमने, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सी कंट्री से हमने वॉरआउट की हैं या अडॉप्टेड की हैं, तो राइट आंसर है USSR, जिसको रशिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ अडॉप्टेड फंडामेंटल राइट्स, तो किस कंट्री से हमने फंडामेंटल जो राइट्स हैं हमने बॉरोड किए हैं, तो राइट ऑप्शन है इसका USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स अडॉप्टेड किए हैं या बॉरोड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल नेम ऑफ अवर कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल नेम जो है हमारी कंट्री का क्या है, इंडिया, दैट इज़ भारत। क्वेश्चन नंबर 672, हु इज़ कम्पिटेंट टू प्रिस्क्राइब कंडीशन एज फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप, तो पार्लियामेंट हु इज़ कम्पिटेंट है टू प्रिस्क्राइब कंडीशन एज फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। क्वेश्चन नंबर 73, टू होम द वाइस प्रेजिडेंट्स लेटर ऑफ रेजिग्नेशन इज़ टू बी एड्रेस्ड, तो वाइस प्रेजिडेंट जो लेटर किसको एड्रेस्ड करेगा, प्रेजिडेंट को। क्वेश्चन नंबर 74, विच स्टेट फर्स्ट अडॉप्टेड द पंचायती राज इन इंडिया इन 1959, तो अशोक मेहता कमेटी, सॉरी बलवंत राय मेहता कमेटी ने जब रिकमेंडेशन दी तो फर्स्ट ऑफ ऑल किस स्टेट में जो पंचायती राज इस्टेब्लिश किया गया, अडॉप्ट किया गया, तो किस स्टेट ने किया था, वो किया था राजस्थान ने, 2 अक्टूबर 1959। एक क्वेश्चन आपको और आ सकता है कि राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया था, तो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, तो वो डेट थी 2 अक्टूबर 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वूमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिया, वूमेन चीफ मिनिस्टर थी सुचेता कृपलानी, जो थी फर्स्ट वूमेन चीफ मिनिस्टर थी इंडिया में। प्रेजेंट लोकसभा इज़ द, प्रेजेंट लोकसभा जो है वे 17th लोकसभा है, 16th लोकसभा में भी पीएम मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे और 17th लोकसभा में भी पीएम मोदी जी, अभी हमारे मोदी जी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 77, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन उत्तर प्रदेश फॉर लोकसभा, लोकसभा के लिए नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है उत्तर प्रदेश में, वो हैं 80, मतलब 80 जो एमएलए हैं, 543 में से आउट ऑफ 543 80 जो एमपी जो हैं वो यूपी से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव द प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो किस आर्टिकल में बताया है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आर्टिकल 52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल नंबर ऑफ कितने शेड्यूल्स हैं, तो आंसर है इसका 12 शेड्यूल्स। अगर आपको पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, तो देर आर 25 पार्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलाता है, तो ओथ कराता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी अपॉइंटेड बाय द, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी प्रेजिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। फर्स्ट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे कौन थे, वो थे सुकुमार सेन। आगे अगर आपको एक इसमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि करंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, वो हैं श्री सुनील अरोड़ा जो हैं, वो अभी करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं। क्वेश्चन नंबर 83, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा। फर्स्ट फीमेल स्पीकर जो है वो हैं, वो थी श्रीमती मीरा कुमार। मीरा कुमार जो थी वो कांग्रेस से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव द पावर टू प्रेजिडेंट टू इम्पोज प्रेजिडेंट रूल इन अ स्टेट। तो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अंडर जो है पावर्स देता है प्रेजिडेंट को कि आप किस स्टेट में प्रेजिडेंट रूल इम्पोज कर सकते हैं, तो आर्टिकल 356, जैसे मैं आपको बता रहा था, आर्टिकल 356, आर्टिकल 352 नेशनल एमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट एमरजेंसी और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल एमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर गवर्नर ऑफ स्टेट। मैंने आपको बताया था गवर्नर बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो 35 ईयर होनी चाहिए। जैसे ही प्रेजिडेंट की इलेक्शन में अगर आपने कंटेस्ट करना है, पार्टिसिपेट करना है, तो आपकी एज वहाँ भी 35 ईयर्स, तो आंसर इसका 35। क्वेश्चन नंबर 86, इफ़ प्रेजिडेंट डाइज वाइल इन ऑफिस द वाइस प्रेजिडेंट कैन एक्ट अ प्रेजिडेंट फॉर ए मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ। अगर प्रेजिडेंट ऑफिस में किसी प्रेजिडेंट की डेथ हो जाती है तो वाइस प्रेजिडेंट एक्ट करता है प्रेजिडेंट का, कितने टाइम के लिए कर सकता है वो, कितने टाइम के लिए, तो आंसर है इसका 6 मंथ के लिए। क्वेश्चन नंबर 87, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इंडियन सिटीजन राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी जो है ये एक फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, तो ये बताया गया आर्टिकल 14 में। क्वेश्चन नंबर 88, पंचशील एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन द ईयर। तो पंचशील जो एग्रीमेंट साइन किया गया था इंडिया और चाइना के बीच में, ये किया गया था 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइंड द टर्म नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट का जो टर्म दिया था वो किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज़ कंसिडर्ड एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसको चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, वो कहा गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बोथ ऑफिस ऑफ प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट वैकेंट, हु हैज़ बीन इम्पावर्ड द प्रेजिडेंट फंक्शन। तो अगर दोनों के प्रेजिडेंट भी नहीं है और वाइस प्रेजिडेंट भी नहीं है, तो किसको इम्पावर्ड होती है द प्रेजिडेंट फंक्शन, प्रेजिडेंट एज अ प्रेजिडेंट वर्क करने की, वो होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन इस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल। यूनियन पब्लिक जो सर्विस कमीशन है उसको इस्टेब्लिश किया किस आर्टिकल के अंदर आता है, ये आता है आर्टिकल 315। क्वेश्चन नंबर 93, अ मनी बिल इन पार्लियामेंट कैन बी इंट्रोड्यूस विद द रिकमेंडेशन ऑफ। मनी बिल जो है किसकी रिकमेंडेशन से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, वो किया जा सकता है प्रेजिडेंट की रिकमेंडेशन पे। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 94, द एमरजेंसी इन इंडिया इन 1975 वाज अप्लाइड अंडर द आर्टिकल। जैसे मैं बता रहा था 1975 में जो नेशनल एमरजेंसी हुई थी इंडिया में, एमरजेंसी लगी थी, वो आर्टिकल 352 में आती है। क्वेश्चन नंबर 95, विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूट द राइट टू लाइफ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू लाइफ का जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है वो है आर्टिकल 21 में। क्वेश्चन नंबर 96, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड बाय। आर्टिकल 368 में प्रोविजन बताया हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड किया जा सकता है। जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है ये हमने बोरोड किया है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 97, फ्रॉम विच कंट्री हैज़ अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बीन अडॉप्टेड। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने लिए हैं आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 98, इन विच ईयर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिकेम द 3 मेंबर कमीशन। तो 3 मेंबर कमीशन बना था 1989 में, क्योंकि उसके पहले एक इलेक्शन कमीशनर होता था। उस समय जो वोटिंग एज थी वो 21 ईयर थी, मगर 1989 में जो वोटिंग एज थी वो रिड्यूस कर दी गई, और उस समय से लेकर अब तक जो वोटिंग एज है 18 साल से, जो 18 साल का जो पर्सन होता वो भी वोट कर सकता था, मगर 1989 से पहले जो वोटिंग एज थी वो 21 ईयर थी। क्वेश्चन नंबर 99, टोटल नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर इन राज्यसभा बाय द प्रेजिडेंट। राज्यसभा में टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेजिडेंट के द्वारा वो होते हैं 12 मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 100,
विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर वाइस प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, तो किस आर्टिकल में बताया हुआ है प्रोवाइड्स फॉर द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, तो आर्टिकल 63 में। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQ 100 को वन लाइनर क्वेश्चंस आई हैव डिस्कस्ड इन फ्रंट ऑफ यू। ये इसके अलावा और भी जो क्वेश्चंस होंगे मैं आपके लिए, और भी 100 से भी ज़्यादा जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मिलती है मोटिवेशन, हम मैं इससे ज़्यादा और अच्छे से और बढ़िया वीडियो बनाऊँगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।